और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे पाकिस्तान को अब भारत की याद सता रही। अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया था, उस वक्त जोश जोश में पाकिस्तान ने भारत से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था और राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान का ये ढोंग काफी दिन तक चल नहीं पाया। कंगाली में जब चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके, तो अब पाकिस्तान वापस से भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल करना चाहता है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के लिए देश चलाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में पाकिस्तान को अब भारत की याद सताने लगी है। पाकिस्तान संसद की एक स्थायी समिति ने भारत को इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त को दोबारा से शुरू करने की गुजारिश की। हालांकि पाकिस्तान की हरकतें देखने के बाद सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की इस अपील पर भारत कोई कदम उठाएगा। खैर, भारत हमेशा से कहता आया है कि जब तक सीमा पर आतंकवाद को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। वहीं पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित देश बताता है, जबकि देखा जाए तो आतंकवाद को पालने और बढ़ाने वाला खुद पाकिस्तान है। वहीं इन्हीं सब मुद्दों पर पाकिस्तान में विदेश मामलों पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति ने सिफारिश की कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे की राजधानी में उच्चायुक्तों को बहाल करना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश सचिवालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक हैंडआउट में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की हाल की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी गई थी। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया गया था कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद में बिलावल की भागीदारी ने एससीओ की जरूरत को फिर से बढ़ाया है। हैंडआउट के मुताबिक पाकिस्तान को विश्वास है कि विदेश मामलों में एससीओ को ज्यादा तरजीह देने से पाकिस्तान में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला। हालांकि 4 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा। ऐसा बताया जा रहा कि पाकिस्तान और चीन एससीओ के 22वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सदस्य देशों के अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया है। एससीओ की परंपरा के बाद अतिथि देश तुर्कमेनिस्तान को भी आमंत्रित किया गया। देखा जाए तो दुनिया की 40% आबादी एससीओ के 8 सदस्य देशों में रहती है। वहीं दुनिया की 30% जीडीपी इन्हीं देशों के कंट्रोल में है, इसलिए 4 जुलाई को होने वाले इस शिखर सम्मेलन की अहमियत और बढ़ जाती है। हालांकि पाकिस्तान, जो कि वापस से भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल करना चाहता, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।